सो हेलो गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज संजीत सिंह एंड यू वॉचिंग माई चैनल संजीत एस किंग। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मुझे पता है आप लोग सारे के सारे पल्सर AS150 को मिस कर रहे थे। मैं जानता हूँ पल्सर AS150 को सभी मिस कर रहे थे, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आए और मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछा कि भाई AS150 का क्या हुआ, उसका क्या किया आपने, क्या करने वाले हो। तो मैंने उन सबको कहा ये वीडियो ज़रूर आएगी। तो इन दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने जॉब में एक्चुअली, क्योंकि यार R15 लेने के बाद अपनी जो हालत है बहुत कड़क हो गई है। क्योंकि यार अपना YouTube चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा है, आप लोग कुछ करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम हो तो। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और पेशेंस तो मैंने इतना रखा हुआ है ना कि शायद ही किसी के पास होगा इतना पेशेंस। तो फिलहाल आज मैं AS150 लेके आया हूँ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस ये रही अपनी पल्सर AS150, आप ये देख सकते हो। ठीक है, वॉश नहीं कराई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ज़्यादा ड्यूटी से मुझे आज छुट्टी मिली, आज संडे था। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ, क्या क्या नहीं करने वाला हूँ। पहले आप देख लो इसकी यार कंडीशंस कैसी हो गई है। तो टायर अभी सारे वही नए के नए पड़े हैं, बस वॉशिंग का फ़र्क है। और हमें यार इसके ना सीट कवर भी चेंज करवाना है, इसके ऊपर वीडियो आएगी, सीट कवर चेंज करवाना है। इंडिकेटर मैंने ऑनलाइन अभी ऑर्डर करने हैं, जब अपना ओवर टाइम आ जाएगा तो सीट और ये और काफ़ी कुछ चेंजेस करने हैं। और टेपिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, टेपिंग जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये वाली टेपिंग जो मैंने कराई थी, ये देख रहे हो ना आप, ये टेपिंग इसकी ख़राब हो गई है। तो ये कुछ टेपिंग्स मुझे दोबारा से करवानी है। सो यार, और ये टेपिंग भी हम दोबारा करेंगे, देखो उखड़ रही है। और ये विंडशील्ड बहुत अपना नया का नया है, तो हम इस वाइज़र का भी ना हटा देंगे और टेपिंग हटा देंगे और उसको फिर से नया कराएंगे। सो यार पल्सर AS150 है तो टेंशन मत ले, एक दिन अपना यूट्यूब चैनल जब ग्रो कर जाएगा ना मस्त वाला, तो मैं तुझे एक नया इंजन गिफ्ट करूँगा, मैं नया इंजन जिसमें इंजन ऑयल की कमी नहीं होगी और तेरा इंजन सीज होने का पंगा ही ख़त्म। या फिर किसी अच्छे बंदा ढूंढूंगा जो मॉडिफाई करता होगा, बट पहले यूट्यूब ग्रो हो जाए देने उसके बाद। तो ये अपनी पल्सर AS150 रही। सो मैंने आपको कुछ दिखा दिया जो दिखाना था। तो गाइस अब बात करते हैं इसके बारे में, पल्सर AS150 के बारे में कि मैं इसको क्या करने वाला हूँ। यार इसको मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ, पहले प्लान था इसको बेचने का, क्योंकि यार मैं बहुत परेशान हो गया था यार। अब ये प्रॉब्लम मेरी AS150 वाले समझ ही सकते हो कि मैं कितना परेशान हुआ था, और इतना मेरे दोस्तों को भी पता मैं कितना ज़्यादा परेशान हुआ था। एक्चुअली कुछ ही सेविंग्स पैसे होते हैं वो जो इसमें लग जाते थे, हर 6 महीने में 6-7-8 हज़ार रुपये इसमें लग ही जाते थे। कुछ ना कुछ वियर टीयर्स यार होती रहती है बाइक में, और वैसे भी 6 साल हो गए हैं, बट यार थोड़ा सा प्रॉब्लम करी। अब यार कहते हैं ना, अब जिससे प्यार हो ना, अब उसमें जितनी मर्जी खामियाँ हो यार, बस वो दिखती नहीं है, फिर प्यार ही दिखता है। तो बस वही था अपना इसके साथ, और पल्सर AS150 के साथ हम इसे जॉब के लिए रखने वाले हैं। और वैसे मैं इस पर टूरिंग करना चाहता था बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिलहाल मैंने इस बाइक को बेचा नहीं है, मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इसको जॉब के लिए यूज़ करूँगा। आई होप ये जॉब के लिए अच्छी चले, खर्चा ना करवाए, नॉर्मली सर्विसेज हो इसकी और जॉब अच्छी हो। जो अपनी R15 है, हाँ वो पोस्चर एग्रेसिव है उसका, पर मैं उसी से राइडिंग वगैरह करूँगा जब भी करना होगा, उसे भी चला के बहुत मज़ा आ रहा है। बाय द वे मैंने उस बाइक का नाम जो है टार्जन रख दिया है, क्योंकि यार सबको वो टार्जन जैसी लग रही थी, तो मैंने उसका नाम टार्जन रख दिया है। तो फिलहाल हम मैं इसी को जॉब पे लेके जा रहा हूँ, उसे मैं कभी कभी चलाता हूँ, नॉर्मली मेरा भाई यूज़ करता है उसको, पर मैं इसको यार नहीं छोड़ सकता यार। जब उसको बेचने की बात आते ना तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, कैमरे के सामने नहीं हो सकता भाई, अपन लड़के हैं, अपन इमोशनल वगैरह सूट नहीं करता इतना। तो बस ये मैं आप लोगों को बताने वाला था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे। एंड थैंक यू यार जिन जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बोला कि भाई आप ये क्या करने वाले, क्या नहीं। यार ऐसे ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग ना पूछते हैं,
क्योंकि यार अभी मैं अभी नया नया ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरे को हर एक एक कमेंट ना मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाइज देता हूँ, और अच्छा लगता है कि चलो एक अनजान कमेंट आया और उसने कुछ पूछा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, अब तक के लिए बाय बाय, सी यू।